जिस तरीके से नागरिकता संशोधन बिल पास एक नंबर काम एक नंबर, लेकिन सर ये सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, हिंसा हो रही है। सीधी सी वही बात है, बिल किया एक नंबर का पास भुगते जनता। इस बिल पे पहले ही एक तरीके का एक जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर इन्होंने दिमाग लगाया कि जितने भी अलगाववादी जितने भी देशद्रोही उन सभी को पहले जेल में ठूसा ना, इसमें क्यों नहीं किया। इसमें ये ओएससी भी बाहर है, इसमें जितने भी ये मौलवी हैं जो जिनको ये नहीं पता फतवा चीज क्या होती है, भोग देते हैं भाई मुसलमान खतरे में, वो मुसलमान ये सोचता मैं भी खतरे में भाग लिए। आपने कहा क्यों नहीं ठूसा, आपने देखा जामिया में प्रोटेस्ट हुआ भी, उसके बाद दंगा भड़का, उसके सपोर्ट में खुद कांग्रेस के नेता खड़े हो गए कि छात्रों के साथ पुलिस गलत कर रही है। भाई साहब एक बात बताऊं मैं तेरे को, देख रिजल्ट दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज एक बात जिसके ऊपर सरकार कभी गौर नहीं कर रही ना, वो एक ही बात है कि आम जनता जो इस देश में रह रही है वो भी तो मर रही है, वो भी तो मर रही है। अब एनआरसी बिल किसके लिए किया था, अफगानियों के लिए किया था, ये बांग्लादेशियों के लिए, म्यांमार वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, इन्हीं के लिए किया था। फिर ये हिंदू क्यों मर रहे हैं, ये यहाँ के मुसलमान क्यों मर रहे हैं, ये यहाँ के मुसलमान क्यों मर रहे हैं, इनका भी तो जिम्मेवार यही है। ये मौत एक घर से मौत हो जाए, यही लाला जी मर जाए, हमारे घर वाले कैसे करेंगे काम, घर वाले कैसे करेंगे काम, घर वाले एकदम ये हो जाएंगे कि भाई हमारा तो गया, पैसे की दुकान गई, आपने कहा सही सबके गए हैं। आपने कहा कैब नंबर वन का बिल है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि ये बिल लागू नहीं होगा, पहले मेरी नाक पर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी की तैसी, ममता जी ने तो गाय का उठा गया हड्डी ऐसे बोली हुई है कि मैं तो गाय का मांस खाती हूँ, तो उसमें भाई एक अकेली वोट के लिए कर रही है, वो अपनी खुद की राजनीति पे कर रही है, जैसे खुद के प्रवक्ता बनने के लिए आप अपनी बात भोग रहे हैं। सबके लिए सोचने में सबकी बात करनी पड़े, अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो एक भी नहीं मरना चाहिए, बेकसूर बात वो होती है, असली बेकसूर मरे जा रहे हैं। आज जिनको दंगा भड़काना उनको ये पता है इस रास्ते से निकलना है, और जिनको मरना है वो ऐसे फंस रहे हैं उनको पता भी नहीं लगता दंगा कोड़े पे भड़क गया। तो सबसे मेन जिसके ऊपर बोलना चाह रहा हूँ और बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, लोग बात समझ नहीं रहे कि जो आम मर रहा है, हम में से ही जो मर रहे हैं, जवान के बच्चे मर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीएसएफ सीआरपीएफ की कितनी ड्यूटी है, यहाँ से भी है उत्तर भारत के, इतने वहाँ पे अपने लगे हुए, उन्होंने अपने बच्चे भेजे, किसी की लेडी का फूट गया सिर, किसी के बच्चे का फूट गया सिर, इसका जिम्मेवार कौन है? सर सवाल ये है, दंगा भड़का कौन रहा है, जब ये बिल से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, फिर दंगा भड़का कौन रहा है? दंगा भड़का तो यार सीधी सी बात है, सबसे पहले ये मौलवी अंदर गिरने थे, ये अनपढ़ मौलवी जिनको यही नहीं पता देश के लिए क्या करना चाहिए, ये ओवैसी जैसे साला आया किस वजह से है, कट्टरपंथी की वजह से आया, कट्टरपंथी कल चला दूं, कल साली हरियाणा से लेके चलूंगा कट्टरपंथी, वहां तक जाऊंगा। असलियत ये है, इनको अंदर डालते, ये डालते अंदर। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, एक सिंपल सी बात है, ये तिहाड़ जेलों में ये इतनी जगह ये बंद कर रखे हैं, सालों को कर दो आमने सामने इनके, ये मरेंगे, ये भी मर जाएंगे, वे मरेंगे, वे भी मर जाएंगे, कम से कम ये फैसला तो हो जाएगा एक बात का। सर अगर प्रोटेस्ट करना है किसी को, हम कहते हैं प्रोटेस्ट कीजिए, सबको हक है अपना, लेकिन नारे लगाए जाते हैं हिंदुओं की कब्र खोदी जाएगी, हिंदुओं को आजादी देकर रहेंगे, ये कहां जलाया नहीं जाएगा। भाई साहब ये ही तो बात है, सबसे सीधी, वो मौलवी लोग जिनको ये नहीं पता तुम अल्लाह की देन हो या किसी बाप की देन हो, उनको ये नहीं पता तुम अल्लाह की देन हो किसे बाप की देन हो, उनको ये नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, वो सीधे सीधे वो जो अनपढ़ मौलवी हैं उनको अंदर करते, पहले उनको अंदर करते, वे 15-20 ज्यादा नहीं है यहाँ भड़काने वाले, वो कुल 15-20 है, क्या इतनी भी जेल में जगह नहीं है, कुल 15-20 साल भीतर कर दे, इतना बड़ा दंगा ही नहीं होना था यार। आम बंदों को तो मुसलमानों को तो काम करने पैदा होते ही पढ़ाते नहीं है, पैदा होते ही 90% तो ये करते हैं कि धंधा क्या करवाना है, उनको तो ये नहीं पता कि करवा क्या रहा है मौलवी, मौलवी ने तो बोल दिया मुसलमान खतरे में, सारे उठ के चल दिए, ये ना बताया साले मरो भी गए और अगलों के पास से और मरवाओ भी गए। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के हिंदू हिंदुस्तान में आ जाओ, बाहर जो बाहर के है जिनको दे दिया था वो बाहर निकलो भाई, मैं मकसद ये है, मैं तो ये कहूंगा अगर ये इतने ही ठीक करने वाले हैं तो बांग्लादेश भी एक घर दे रखा है, एक घर पाकिस्तान भी दे रखा है, दो घर दे रखे, तीसरे घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए,
सारे देश के हिंदू आ जाओ, जितने भी बाहर रह रहे अमेरिका में थोड़े हैं और जहाँ कहानी है, सारे हिंदुओं को इंडिया में बसाओ, वो रोजगार दो, वो चीजें दो, सारे हिंदुओं को लाओ। सर सवाल तो इस बात पर उठ रहा है, जब आप हिंदुओं को अपना रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों नहीं अपना रहे? भाई साहब मुस्लिम हमें क्यों नहीं अपना रहे? मुस्लिम हमें क्यों नहीं अपना रहे? भाई 22% से साला ये 2% पे आ गए हम। भाई दोनों तरफ की बातों का एक बड़े समाज में, एक बड़े घर में सभी का हित रखना पड़ेगा। अब भाई सबका हित रखना पड़ेगा तो एक जो गलत है उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ढंग से। उसमें ना वो जो घर वाले अच्छे बंदे हैं वो नहीं मरने चाहिए, उनके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर के उनको निकाल दो यार तुम। ये ज़्यादातर लोग जो कैब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैब की पूरी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है, राजनेता है, वो चाहते नहीं कि आम जनता को इसकी जानकारी मिले, क्योंकि ये देश विरोधी नहीं है, किसी धर्म विरोधी नहीं है। ये बाहर रह रहे जो माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम बहुल देशों में, उनकी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवक हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, वो कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उनको पहली तो या तो पता नहीं, और पता है तो क्यों कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में। राजनीतिक होगा जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर रही है, उन्होंने कहा है कि मैं कानून लागू नहीं होने दूंगी, अगर लागू होता है तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। देखिए ये उनका एक राजनीतिक जुमला है, राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि उनका ज़्यादातर वोट बैंक बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी हैं, जिनके यहाँ पे उनको बॉर्डर क्रॉस करा के यहाँ ले लिया जाता है, उनके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के उनको वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। उनका वोट बैंक ख़त्म होगा तो उनके लिए तो मरने जैसी बात हो गई, तो वो तो लाश जैसी बात करेंगी। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, अगर आप हिंदुओं को ले रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों नहीं ले रहे? हम कह रहे हैं दुनिया के किसी भी देश में हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, भारत उसकी जिम्मेदारी को लेगा। आज नहीं तो आज थोड़ी उसने लिए, कल पूरी लेगा, पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी लेगा, किसी भी कंट्री में हो भारतीय। लेकिन सर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जबकि साफ तौर पे कहा जा चुका है कि जो मुस्लिम है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण दिखाई दे? देखिए भारत भूमि पे जो भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, उसकी जिम्मेदारी है, उसके सुख शांति की जिम्मेदारी भारत की जिम्मेदारी, भारत उसकी जिम्मेदारी लेगा। कोई घुसपैठ करके आए, चाहे वो किसी भी बॉर्डर से क्यों ना आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, या कोई हवा में उसको गिरा दे पैराशूट से, उसको भी हम उठा के फेंक देंगे अगर वो हमारे नागरिकों के लिए खतरा पैदा होता करता है तो। सर आपने देखा होगा काफी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि हिंदुओं की कब्र खोदी जाएगी। नहीं नहीं ऐसा, ये सब गलत बात है, ये ऐसी चीजें से कहने से बचें, ये किसी धर्म विशेष। स्टूडेंट्स कर रहे थे ना हिंदुओं की कब्र खोदेगी, तो उनके पढ़े लिखे होने पे, जामिया के यूनिवर्सिटी होने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कलंक है। उनके प्रोफेसर को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते क्या है अब तक, अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाया होता तो जामिया के स्टूडेंट कभी नहीं कहते हिंदुओं की कब्र खोदेगी। अगर हिंदुओं की कब्र ही खोदनी है तो जाओ ना पाकिस्तान में, हिंदुओं को छोड़ दो, हिंदू इतने बुरे हैं तो क्यों हिंदुस्तान में रहते हो? गलत तरीका है, ये मुट्ठी भर के राजनीति लोग रह गए हैं जो इसमें अपने गेम खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं। जो मुसलमान लोग हैं, जो सही पढ़े लिखे लोग हैं, जो व्यवसाय, उनको तो फुर्सत नहीं है इस कामों से, वो तो इसमें आते नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपना कोई काम धंधा नहीं करते हैं, और जो ये जो विपक्ष की राजनीति लोग हैं, इनकी रैलियों में जाने के लिए पैसा लेके पे करते हैं, पैसा करके ये गुदम मचाते हैं। इनका काम धंधा ये होता है कि आप आग आयोजन करो, लूट मार करो, और इसके वजह से देश के वो जो जो बुराइयाँ हैं विदेशों में जाएं। तो ये विदेशों में यहाँ इस देश की बुराइयाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। ये तो लागू हो चुका है, इसको राष्ट्रपति पास कर, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकता इस बिल को, ये लागू होगा ही होगा। पर ये जो जो ये जो थोड़े से अनबैलेंस होके ये लोग कर रहे हैं लोग, मैं इनको यही राय देना चाहता हूँ भैया, हिंदुस्तान में कोई भी भेदभाव नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए भेदभाव है जो बाहर से यहाँ पर आके अनऑथराइज बसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं करी हैं, वही लोग बाहर जाएंगे। और सच्चे में जो लोग यहाँ के नागरिक हैं, देश के वासियों, पूर्वज से नागरिक हैं, उनका कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं है, कोई हाथ नहीं। जो राज्य नहीं मानते, पर आने वाले टाइम पे उन राज्यों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की एक बहुत बढ़िया जनसंख्या बढ़ चुकी है जो बाहर से आए लोग हैं। अंदर के लोग इंटरनल लोग हैं, उनकी जनसंख्या नहीं है, पर जो बाहर से इससे जनसंख्या बढ़ गई है, इससे हमारे देश में हर व्यवस्था में, हर रोजगार में व्यवधान पड़ रहा है, तो इन लोगों को जाना पड़ेगा। ये सीधा सीधा गृह मंत्री का कहना है। सर आप किस तरीके से देखिए, ये कोई बात ही नहीं है। सीएम मुद्दा जो 11 साल से यहाँ रहते हैं, उन 11 सालों का टाइम पीरियड 6 साल कर दिया है।
ऐसा नहीं है कि आज किसी को इंडिया को पाकिस्तान से हिंदुओं को ले आएंगे बसा देंगे मिल जाएगा। 11 साल का टाइम पीरियड था जो 6 साल के है और जो मुसलमान थे उनका टाइम पीरियड 11 ही रखा गया है और कोई नहीं है, ये बात कोई नहीं बता रहा। और ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल में मुसलमानों को नहीं मिला है, 600 से ज़्यादा मुसलमानों को नागरिकता दी गई है यहाँ पर। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल क्रिएट किया जा रहा है। 6 साल जो रहेगा ऑलरेडी रह रहा है, खा रहा पी रहा सब है, उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि जैसे राशन कार्ड भटकाया जा रहा है कि आपके अधिकारों को दबाया जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ पिछले 2 साल में 600 मुसलमानों को जो आउट ऑफ इंडिया से आए उन्हें दी गई नागरिकता और उनके 11 साल हो जाने के बाद उनको भी मिल सकती है अगर वो अप्लाई करते हैं। हिंदुओं के लिए और जैन लोगों के लिए 11 साल वाला टाइम पीरियड 6 साल कर दिया गया, ये बात है, ये किसी मीडिया में नहीं आ रहा है, रियलिटी ये है, सिला और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रही है उधर? ममता बनर्जी कहती है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी। आपको बताने की जरूरत है ऐसा क्यों हो रही है? ये एक बैकग्राउंड है जो आपसे छीन रहा है पिछले 3, अगर आप 1 साल के पीरियड में जो काम हुए हैं अगर आप इसको ऑब्जर्व भी करोगे, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 370 हट भी सकता है, ये इमेजिनेशन के बाहर था। राम मंदिर चलो बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, वो भी ये लग रहा था, है ना। उसके बाद 3 तलाक पॉसिबल नहीं था, है ना, ये चल रहा था। अब इसके बाद मुझे लगता है कि एक जो ये जो जनसंख्या का जो कानून है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए, जो कहते हैं रोजगार नहीं, कहाँ से आएगा, कौन सी लाएगी सरकार, जिस रेशियो में जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, अगर ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर वही मुद्दा आएगा, वही हिंदू मुस्लिम मुद्दा।